हेलो एवरीवन, ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय श्रीवास्तव आज आपके सामने एसएससी क्लर्क प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करने आ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएससी क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका एग्जाम अगले महीने होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको जो पहली बार एग्जाम को देंगे उनको सिलेबस पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जिससे आप कट ऑफ को इजीली क्रैक कर पाओ। एसबीआई में जॉब करना हर बच्चे का सपना होता है, इसलिए इस वीडियो में आप देख लेना कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे करने हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम को देखते हैं। यहाँ आपको प्रीलिम्स में तीन सेक्शन देखने को मिलेंगे, क्वांट, इंग्लिश, रीडिंग। अब हम सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले क्वांट सिलेबस की बात करते हैं। तो क्वांट में ये आपका क्वांट का सिलेबस होता है, आपका सिंप्लीफिकेशन होता है जो कि 10 से 12 मार्क्स का आता है। आपको ज्यादा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, जैसे कि हाउ कैसे जल्दी से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर पाए, और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, बाकी रेसिप्रोकल और बहुत सारी जो शॉर्ट ट्रिक होती है आपको सारी सारी याद होनी चाहिए। तो आपको सिंप्लीफिकेशन वर्क करना है। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपकी 5 मार्क्स की आएगी और ये आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, तो आपको क्वालिफिकेशन वर्क करना है। तीसरा नंबर थ्री, ये भी आपके 5 मार्क्स की आएगी, तो इसको भी आपको अच्छी करनी है जिससे कि आप आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर पाओ। यहाँ आपको दो टाइप के नंबर थ्री पूछी जा सकती है, एक तो मिसिंग और दूसरी रॉन्ग नंबर, आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा डीआई, यहाँ आपको 5 से 10 मार्क्स की डीआई आएगी, तो डीआई के लिए आपको क्या करना है, डीआई की जो भी टाइप है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबल, कैलकुलेट, आपको सारी की सारी डीआई की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके जो ये आपके 4 टॉपिक है ना, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांट के। यहाँ अगर आप ये 4 टॉपिक करके आते हो तो आप आराम से 35 प्लस स्कोर कर पाओगे, लेकिन आपको इन 4 टॉपिक में मास्टर होना पड़ेगा। फिर आपका आता है डीएस, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी जो भी सारे चैप्टर होते हैं उनका मिक्सर होता है, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनके बेस पे आपको बताना होता है कि आप किस स्टेटमेंट को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो। फिर आपका मिसलेनियस आता है, आपके जो भी आपके चैप्टर होते हैं लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डायमंड वर्क, डायमंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, ये सारे सारे आपके मिक्सर मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस आपको हर चैप्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ वही चैप्टर करने हैं जिनपे आपकी अच्छी कमांड है और आप जिनमें आसानी से कम समय में क्वेश्चन कर पाते हो। लाइक आप कोई मॉक दीजिए, मॉक में देखिए आपको परसेंटेज से सारे क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो, तो आपको परसेंटेज को अपना स्ट्रांग लाना है। और जो भी है आपको मिसलेनियस के सारे टॉपिक नहीं करने हैं, आपको कौन कौन से करने हैं, पहला आपको परसेंटेज करना है, दूसरा आपको रेशियो करना है, फिर आपको एवरेज करना है, फिर आपको पार्टनरशिप करनी है, मिक्सर करना है आपको, प्रॉफिट लॉस करना है, क्योंकि आपके पास अब 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। आप अगर ये टॉपिक करके जाते हो तब भी आसानी से आप 25 ये और 5 ये आप 30 प्लस कर सकते हो। अगर आप क्वांट में 30 प्लस करते हो विद एक्यूरेसी के साथ, तो आपको कोई भी कट ऑफ क्लियर करने से नहीं रोक सकता। ये तो ही क्वांट की बात है, बात है रीडिंग पे।
या आपका हीलिंग सिलेबस है जहाँ आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, आपको पहले स्लॉट पर फोकस करना है क्योंकि आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। दूसरा आपको अल्फाबेट सीरीज, आपको किसी शिफ्ट में अल्फाबेट सीरीज देखने को मिलेगी और किसी शिफ्ट में आपको कोडिंग बोर्डिंग देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों टॉपिक प्रैक्टिस करनी है और ये काफी ईजी होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका इलिबिलिटी, ये काफी यूज होता है। फिर आपका इलिबिलिटी, इलिबिलिटी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक तो आपका कोविड फॉर्म में होता है, एक होता है डायरेक्ट। आपको लगा के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ये आप आसानी से कर सकते हो। ये भी काफी ईजी टॉपिक है, इसको भी आपको फोकस करना है। तो आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, स्लॉट पे फोकस करना है, एल्फाबेट सीरीज पे फोकस करना है, कोडिंग डिकोडिंग पे करना है, इनबिल्ट करना है। फिर आपके जो मेन टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दोनों टॉपिक आपके 10 से 15 मार्क्स के आएंगे। हो सकता है आपके 15 से 20 मार्क्स के भी आए। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जो भी टाइप होते हैं, चाहे फ्लोर बेस हो, लीनियर हो, डबल रो वाला हो, स्क्वायर वाला हो, रेक्टेंगल वाला हो, सर्किल वाला हो, आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अगर इन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का अच्छे सॉल्व कर पाते हो तो आप डेफिनेटली अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर आप नहीं फंस जाते हो तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर कम रहेगा। फिर आते डायरेक्शन पे और ब्लेडेशन पे। डायरेक्शन और ब्लेडेशन एक दूसरे के भाई मान सकते हैं कि दोनों जब भी आते हैं 2 से 3 मार्क्स के आते हैं और ये भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको काका फोकस करना है, पहला आपको स्लॉट्स करना है, दूसरा एफएमएस रीड पे, कोई रिकॉर्डिंग पे, इंटीग्रिटी पे, सिटिंग और पजल पे। ये आपके 4-5 टॉपिक हैं, इनको आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा सकता है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी इजी वाले इनपुट आउटपुट होते हैं ना, आपको वही वाले करने हैं, ज्यादा टफ वाले ट्राई नहीं करने, क्योंकि प्री का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हो। वही पजल में करने, आपको पजल में आपको छोटी छोटी ट्रिकी पजल होती है, वही करना है, जहां लगता है आपको डाटा छोटा मार्क्स कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। आपको बहुत लंबी लेंथी और बड़ी बड़ी पजल नहीं करनी है, आपको इजी ट्राई करना है। इजी के साथ साथ जो आपका टाइम है, ऐसा नहीं कि आप इजी करने बैठे हो तो बहुत इजी कर लिया, ऐसी नहीं करनी है। आपको मॉडरेट पजल करनी है, टफ ट्राई कुछ नहीं करना, क्योंकि प्री के एग्जाम में प्री में कुछ भी टफ नहीं आता, जो भी आएगा सारा का सारा मॉडरेट होगा या इजी होगा। उसके बाद आपका डाटा सफिशियंसी, यहाँ भी डाटा सफिशियंसी आपके आने के चांसेस है, नहीं भी है, लेकिन आपको पढ़ के जानी है। डाटा सफिशियंसी कुछ नहीं होता, जो भी सारे चैप्टर होते हैं उन सबका मिक्सर बना दिया जाता है, फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में आपके आते हैं जो भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, कि आपको कोई वर्ड दे दिया उसमें पूछा जाएगा आपको सेकेंड फोर्थ फिफ्थ वर्ड मिला के कौन कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, वैसे वाले क्वेश्चन। तो आपको कहाँ कहाँ करना है, स्लॉट करना है, अल्फाबेट सीरीज करनी है, कोई रिकॉर्डिंग करनी है, एनएबिलिटी करनी है, सिटिंग करनी है, पजल करना है और डायरेक्शन ब्रैकेट से करना है। आपको ये टॉपिक जो हो गए ना 7-8, आपको इन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। आपको इनपुट आउटपुट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको दिन भर 2-3 दिन खराब कर रहे हो। आप इजी वाले इनपुट आउटपुट लगा दीजिए, अगर आपको आते हैं एग्जाम में आएगा तो बना पाओगे। ऐसे आपको डाटा सर्विसिंग करना है, डाटा सर्विसिंग में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी अगर आपके चैप्टर सारे क्लियर है तो आप डेफिनेटली डाटा सर्विसिंग क्लियर कर पाओगे। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग की बात। अगर आप ये स्टडी फॉलो करोगे और इन टॉपिक पे फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ भी 30+ स्कोर कर पाओगे। ये तो हो गया रीजनिंग का, अब आते हैं इंग्लिश पे। ये आपके इंग्लिश में सिलेबस है, बैंक इंग्लिश में आपको ग्रामर अगर नहीं आती फिर भी आप बैंक इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बैंक की जो भी इंग्लिश आती है वो सारा का सारा रीडिंग डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से चीजों को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली आरसी कर पाओगे, फ्लोर टेस्ट कर पाओगे, फिलर कर पाओगे, पैराजम्बर कर पाओगे। लेकिन अगर आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको डेली रीड करना है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, आप उसको उसके एडिटोरियल पेज को डेली पढ़िए
और अगर आप डेली फॉलो करोगे तो अभी भी आपके पास 30 प्लस डेज है तो आप डेफिनेटली इतना अच्छे स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ हम हमारी टीम ने 30 डे का एक्चुअली प्लान बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी जो हमारी ब्लॉग पे डेली क्विज आ रही है इसकी रीनिंग की पॉइंट की, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ हमारे फ्री मॉक को दीजिए और जो भी हमारे मॉक टेस्ट सीरीज उनको दीजिए, उनमें सारे के सारे जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। अब आपको किस पर फोकस करना है इंग्लिश में, आपको आर्ट्स भी करना है। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप क्लोज कैश, पहले बताया था मैंने क्लोज कैश फिलर मैनेजमेंट सब कर पाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना है, जितना आप रीड कर सकते हो। अगर आप अखबार नहीं पढ़ पाते हो फिर आप नोवेल ट्राई करिए, कोई स्टोरी ट्राई करिए, अगर आप चीजों को पढ़िए। बस इंग्लिश में बस ये है कि जितना आप रीड करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। आपको आरसी पर फोकस करना है, आपको डेली एक आरसी सॉल्व करना है, कोई भी एक मॉक टेस्ट उठाइए उसमें जो भी आरसी क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए, उनको एनालाइज करिए। बाद में अगर आपसे नहीं बनते कोई बात नहीं, उनको देखिए कि उसमें कैसे आपको बताया गया है। दूसरा क्लोज टेस्ट, ये आपके 10 मार्क्स आएंगे या 5 मार्क्स आएंगे, वही अगर आपको रीडिंग अच्छी होगी तो आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप यहाँ क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे। फिलर आपके यहाँ सिंगल या डबल फिलर दिए होंगे, इसमें भी आपको वही करना है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, चीजों को समझ पा रहे हो तो आप फिलर भर पाओगे, अगर आपके रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपको ये भी करने में दिक्कत आएगी। पैराग्राफ जम्बल सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ क्या होता है आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें सेंटेंस जम्बल कर दिए होंगे, जम्बल फॉर्म में होंगे, आपको उन सेंटेंस को एक सीक्वेंस में लगाना है। आपको बताना है कि पहला स्टार्टिंग आपका सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, लास्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन पहले जंबल में आते हैं। अब आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, आपको दो कॉलम दिए होंगे, लाइक कॉलम ए या आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस कॉलम बी के सेंटेंस से मैच करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ये आपको करना है। फिर एरर, आपको अगर आपके ग्रामर को थोड़े बेसिक रूल आते हैं तो आप एरर कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपको बिल्कुल भी ग्रामर के रूल्स नहीं आते, फिर भी आप 10 में से 7 एरर आसानी से कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि रीडिंग जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर कोई फ्रेज वर्ब दिया होगा, कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें आपकी एक फ्रेज रखी है उसको बोल्ड कर रखा है, आपको नीचे 5 फ्रेज वर्ब दिए होंगे उनसे इसको रिप्लेस करना है, तो ये आपको अगर फ्रेज वर्ब याद होंगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है इंग्लिश में, आपको रीडिंग करनी है, आपको कहाँ का फोकस करना है, आपको आरसी फोकस करना है, आपको क्लोज कैसे फोकस करना है, आपको फिलर पर फोकस करना है, आपको पैराग्राफ पर फोकस करना है। अगर आपकी एरर और फ्रेज अच्छी नहीं कोई बात नहीं, अगर आप इन चार टॉपिक पर फोकस कर दोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर भी 25 प्लस स्कोर कर पाओगे। ये तो हो गया इसके बारे में, बाकी का जो भी ऐसे अच्छे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के मॉक पाने के लिए हमारे तैयारी प्लस को खरीदिए। थैंक यू।